मॉर्निंग स्टूडेंट, हम क्लास 9 का एक फूल की चाह पढ़ रहे थे। अब अगला पहरा देखिए। भक्त वृंद मधुर मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। कवि कहता है कि मंदिर में भक्तजन जो उच्च जाति के लोग थे, कथा कथित वे जो लोग थे उच्च जाति के लोग थे, वे भक्तजन मधुर आवाज में प्रसन्न होकर और भक्तिमय होकर माता के सम्मान में ये गा रहे थे, पतितों को तारने वाली अर्थात नीचों को तारने वाली अर्थात अछूतों को निम्न जाति के लोगों को तारने वाली और पापों को हरने वाली हे माता तेरी जय हो। कवि कहता है कि मेरे मुख से भी उस समय यही निकला, मैं भी बोल पड़ा कि हे माँ पतितों को तारने वाली माँ तेरी जय हो। कवि कहता है कि मैं स्वयं आगे नहीं बढ़ा बल्कि मुझे पीछे से ढकेल दिया गया। बच्चों ऐसा होता है भीड़ भरे बड़े इलाके में जब या क्षेत्र में जब स्थान पर जब आप जाते हैं तो कई बार पीछे से ऐसे धक्का सा लगता है और आगे को ठेल दिए जाते हैं, तो यही कवि के साथ भी हुआ, वह आगे आगे ढकेल दिया गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना छठ परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूर जाकर मैं। कवि कहता है कि मेरे हाथों से दीपक फूल आदि पूजा की सामग्री लेकर देवी माँ को अर्पण करने के पश्चात जब पुजारी ने अंजलि भर के मुझे प्रसाद देना चाहा। बच्चों अंजलि का अर्थ होता है जब दोनों हथेलियों को मिलाकर एक पात्र सा बर्तन सा ऐसे बनाया जाए, दीपक जैसा सा बनाया जाए, उसको कहते हैं अंजलि। अंजलि भर कर मुझे प्रसाद देना चाहा तो मैं खुशी और उमंग से झट से उसे लेना भूल गया। कभी झट से लेना क्यों भूल गया? क्योंकि मैं आनंदित हो गया, चौंक गया, हैरान हो गया कि मेरे इतना सौभाग्य कि मुझे देवी माँ का प्रसाद मिल रहा है, और मैं सोचने लगा कि माँ के चरणों के ये पुष्प जल्दी से जाकर बेटी को दूं और उसकी इच्छा पूरी करूं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। कवि कहता है कि वह मंदिर के आंगन से उसके मुख्य द्वार अर्थात उसके प्रवेश द्वार तक भी पहुंच नहीं पाया था कि अचानक किसी भक्त ने कहा कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुस आया, इसे पकड़ लो कहीं यह भाग न जाए, देखो यह कितना दूर था, कितना धोखेबाज है जो साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया है जैसे यह भला इंसान हो। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। कवि कहता है वे लोग कह रहे थे, अछूत को मंदिर में देखकर भक्त बोल रहे थे, कह रहे थे कि उसने मंदिर में घुसकर मंदिर की पवित्रता को कलंकित कर दिया है, उसे खंडित कर दिया है, ऐसा करके इसने घोर अपराध किया है। कवि सोचने लगा कि क्या उसका अपराध देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है। कहने का भाव ये है कि देवी की महिमा तो सबसे महान है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कुछ न सुना भक्तों ने महिमा तो सबसे महान है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुखे घूसे थम से नीचे गिरा दिया। जब मंदिर में भक्तों ने कवि को प्रताड़ित किया अर्थात प्रताड़ित किया मतलब जब उस पर अत्याचार किया, जब उसे पीड़ित किया, मारने लगे पीटने लगे मतलब उसे जब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जब कष्ट देने लगे,
तो सुखिया के पिता ने पूछा कि तुम माँ के बाद कैसे हो सकते हो, तुम्हारे विचार कितने नीच हैं। कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि जिसके विचार इतने नीच हों लोगों के, जिन लोगों के विचार इतने नीच हों, तो वो माता के भक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि माता के जो असली भक्त हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो सब व्यक्तियों को समान समझते हैं, वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। तो यही सुखिया ने पिता ने कहा, तुम माँ के मंदिर में माँ के सामने उसके गौरव को कम क्यों कर रहे हो। माँ के भक्तों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे चारों ओर से घेर लिया, पकड़ लिया, फिर उन्होंने कवि को लात घूंसे मार मार कर गिरा दिया।